दिल्ली विधानसभा में नोटों के बंडल। आप विधायक ने दिल्ली विधानसभा में क्यों लहराए नोटों के बंडल? क्या है मामला, क्यों मचा हड़कंप? कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे सब दंग रह गए। सदन की कार्यवाही चल ही रही थी कि अचानक आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल ने अचानक नोटों की मोटी मोटी गड्डियां निकालकर लहराना शुरू कर दिया। उनकी इस हरकत को देखकर सदन में सब हैरान रह गए। इन नोटों की गड्डियों को लेकर उन्होंने सदन को जो बताया उसके बाद तो बड़ा सियासी विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल रिठाला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने विधानसभा सत्र के दौरान नोटों के मोटे बंडल दिखाते हुए ये दावा किया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपने जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथियों से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं, ये दिल्ली के जनता के हितों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस सदन के अंदर जितने भी आदमी आते हैं वो सभी जनता के हितों के लिए आते हैं। दरअसल ये सियासी बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिंदर गोयल 15 लाख रुपए के नोटों की गड्डियां एक थैले में रखकर विधानसभा में पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अचानक थैले में से नोटों के मोटे बंडल निकालकर लहराना शुरू कर दिया और उसे वहीं टेबल पर रख दिया। जिस दौरान वे नोटों के बंडल लहरा रहे थे, वे ये कहते सुने गए कि ये टोकन मनी है जो उन्हें रिश्वत के तौर पर दी गई है। उन्होंने बताया कि पैसों के बदले नौकरी दिए जाने का मुद्दा मुख्य सचिव और एलजी के सामने भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये काम वे जान को जोखिम में रखकर कर रहे हैं। वे लोग इतने दबंग हैं कि उनके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि उन्हें पैसे देकर ये कहा गया कि आप आवाज मत उठाओ। दरअसल आप विधायक मोहिंदर गोयल ने अंबेडकर अस्पताल में की जा रही भर्तियों का मामला विधानसभा में उठाया था, जिसके साथ उन्होंने ये आरोप लगाया कि यहाँ जिन लोगों को नियमानुसार नौकरी दी जानी चाहिए उन्हें नहीं दी जा रही। यहाँ नर्सिंग और दूसरे पदों के लिए टेंडर निकाला गया है। सरकार के नियमों के मुताबिक 80% भर्तियां पुराने कर्मचारियों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।